मर जाता यह सज्जा मोटा मिल भी जाना ना कि छोटी गल ना समझो तो कहते जरा मुख के मूह के ही बुला खब्बा मोटा तो जरा बुला ही नहीं वो हल मेरी सतगुरु जी कहने पिट होंगी है फिर आप पिट नहीं लैनी जिने के शरीर जुड़ बैठे दे प्यार सत्कार के नाल सानू नहीं फतेह बुलानी फतेह गुरु गोबिंद सिंह साहब जी को बुलानी आहो जी एक प्यार का सबूत दईए मैं क्या जी वाहेगुरु जी का खालसा वाहेगुरु जी की फतेह मैं जिगर करन लगा रात फिर ना होगी जे बात फिर ना होगी जे बात कितने रोज थोड़ी पैनी है उन्हें सूरमिया दिया जाते हो गए तुम भी सचखंड हरिमंदर साहब विखे पर शीस तली तो रख के ना कोई विरला ही जाता ना उन्हां दा जिगर कर लगा जिहड़े शीस तली तो रख के गए ने असीं जाने आ साल दे विच इशनान ही नहीं करते क्योंकि ठंड बड़ी होंदी है कहते हैं ठंड बड़ी होंदी है प्यारे जाईदा ते लंगर खा के ना उत्तों दी ते बारों ही मत्था टेक के आई तां मैं गया माहिर उन्हां दे नाल कई बार बारों मत्था टेक आउंदे आ क्यों रश बड़ा तय मानी है चौरासी कदम ने चौरासी अकाल तख्त साहब तो लैके सचखंड श्री हरिमंदर साहब के जिहड़ा दुनियावी धक्के कहिंदे धक्के पैंदे ने जिहड़ा दुनियावी धक्के जर लैंदा ना उहनूं फिर सचखंड च धक्के नहीं पैंदे उत्थे दरगाह दे विच धक्के नहीं पैंदे प्यारे आओ मैं जिक्र करन लगा जिहड़े शीश तली दे उत्ते रख के गए ने उहनां नूं शहीद कहिंदे ने शहीद अमर शहीद बाबा दीप सिंह जी शहीद लफ्ज पंजाबी भाषा का लफ्ज नहीं यह भाषा अरबी साढ़े हिंदुस्तान के कदों आया जो तो बारे आया हमलावर हिंदुस्तान का हुसन तन दौलता स्त्रियां लुट के ला जाता रहा कोई माई का लाल सामने ना कर सकिया फिर क्या होया उस अकाल पुरख परमात्मा ने की कृपा आप निर्गुण तो सिरगुण रूप धार के धरती से आया फिर जब डट्टा लाया ना तो गुरु गोबिंद सिंह साहब जी के खालसे ने लाया होर नहीं कोई ला सकिया शहीदियां होर भी धर्मां दे विच होईआं पर कादे वास्ते लालच दे के मरवाया गया सिख कौम शहीदां दी कौम आ सिख कौम दे विच शहीदियां क्यों होईआं सच वास्ते हक वास्ते प्यारे जाओगे ना चमकौर साहिब ते दर्शनी डोरी दे विच लिख के लाया हिंद में एक तीर्थ है और यात्रा के लिए कटवाए जहां बच्चे बाप ने खुदा के लिए इतने खुदा वास्ते शहीदियां हुई तो शहीद कि कहते हैं जे अणख की खातर गैरत की खातर धर्म की खातर होते हैं कुर्बान उसी को शहीद कहते हैं आन बदले शान बदले जहान बदले वार देंदे जिंदगी उसे महावीर कहते हैं दुख वेले सुख वेले हर वेले साथ देवे जेड़ा उसी को वफादार कहते हैं बन जावे औखी भारी तो साथ साथ देवे जेड़ा उसी को गद्दार कहते हैं और जंग के मैदान में मचते तूफान में रख ले बचा के जेड़ा उसी को भगवान कहते हैं एवं नहीं रुतबा मिल जाता शहीदों का और शहीदों की बस्ती बनती ना सस्ती यह बनती है ताइयों कटाइए ज हस्ती उस हस्ती मिलता है रुतबा निराला इस रुतबे के अंदर है गैरत की मारा मारा के मन के हंदे ना बाजारी खरीदेगा उही जो सच्चा व्यापारी व्यापारी ओ सच्चा जो सौदा करता है सच्चा खरीदेगा उही जो जवारी का बच्चा बच्चा जो बचना का पूरा प्रेमी मतीदास बंधु जमामत नेमी और नेमी निमारा प्रीतम का प्यारा झले जो धर्म नहीं सिर उत्ते आरा आरा चलिया ते हस हस उलाए वो तारा बना के करे उलाए उलाए बने स्वतंत्र की शर्त होना है ओ लिखिया जो धरतों धरती बाणी सिंघां लई साबर यह बंद बंद कटाउणो हुंदे ना नाबर यह नाबर ना हुंदे ते गुरु दे प्यारे ते जिउंदियां ते बेशक भावे कोई थप्पड़ उतारे यह शहीद सिंह कदों पैदा होंदे ने वो जदों पूर दुनिया ते वध के वधेरे जदों इस धरती ते वध जाण पापी वो टुटा वे रहम खंभ ला के ते जुलम दी फलावट जावे ना नापी वो जदों दौर रिश्वत दा तेजी ना चले हर लन राजे कसाईयां दे चाले जदों मनी जावे इनकारां दी हर गल जदों जान बरे दे मनुख भोले भारे फिर जालम दी अदालत दे अंदर जदों श्री आजतां दे बेअदबी दी चले नित ही सह सह के अमीरां दीआं झड़कां जदों जान सीने गरीबां दे छले फिर जालम दा खंजर उछल के म्यानो जदों बेगनाह दी कतल वच चले ओ चिड़ियां दी मौत ते गवारां दा टोला ओ जदों पावे खिली ते ताली वजा
छोटी मांडिया रो रो के दर्जन कट्ठा कोई कोल बह के दवे ना दिलासे फिर खप्पी हथेली दे उते रखे कोई सिर नूं और मतलब दे अंदर कोई बंद बंद कटवा दे ते फांसी दा तख्ता कोई हस के कबूले और निहा दे विच कोई आपण चनावे एंड ते पता की है वो इन्हां शहीदां दी चर्बी दे कतरे दा सदका दुनिया शहीदा का तराना इन्होंने अंदर है कौम रख दिंदे ने एकदम बदल के जमाना मेरे साथी गुरसेवक सिंह जी सागर गुरकीरत सिंह जी माता जीवनी के भाई भगतू उस रब की बंदगी के लीन होके उस अकाल पुरख परमात्मा के चरणों के पुत्र की प्राप्ति वास्ते इं बेनती करते हैं मेरे साथी गुरसेवक सिंह जी सागर गुरकीरत सिंह जी यानी सुलखन सिंह जी पिंड चौधर परिवार अपनी कलम के नाल इस तरह लिखते हैं एक एक लाइन सुनने वाली आ सुनो जर एक ध्यान के नाल की कहते हैं उठी अमृत वे जी मारे जिन दासा करती जिंद सुन्नी रह जे ना हादम दिल विच होके मरदी जिंद सुन्नी रह जे ना हादम दिल विच होके मरदी दात बख्श दियो जी ऐसी दात बख्श दियो जी सब मुकजे झगड़ा तेरा पुत्रा दे बचो जी हुंदा जग विच कोपा नेरा पुत्रा दे जी हुंदा जग विच कोपा नेरा कल माता गंगा जी जिसने पुत सूरमा जाए कुल सारी दुनिया ते जिसने दादा नाम कमाया कुल सारी दुनिया ते जिसने दादा नाम कमाया आसमान विच हुंदा जी झरना पैंदा दुख बथेरा पुत्रा दे बाजों जी हुंदा जग विच कोपा नेरा पुत्रा दे बाजों जी हुंदा जग विच कोपा नेरा अन्न माता गुजरी जी जिसने ऐसा पुत्र जड़िया कुल सारी दुनिया ते ऐसा होर कोई नहीं बनिया कुल सारी दुनिया ते ऐसा होर कोई नहीं बनिया होपा करदा जी मांदा बदता मान बथेरा पुत्रा दे कोपा नेरा पुत्रा दे बाजो जी हुंदा जग विच कोपा नेरा भागा वालियां मावां ने जिन्ना पुत सूरमे जाए जस मिलदा उन्हां नूं जिन्ना जग ते नाम कमाए जस मिलदा उन्हां नूं जिन्ना जग ते नाम कमाए आदे बाजो ना मिलदा नहीं खुशियां दा खेड़ा पुत्रा दे बाजो जी हुंदा जग विच कोपा नेरा पुत्रा दे बाजो जी हुंदा जग विच कोपा नेरा भगती दी शक्ति चों सब नूं मिलदे मिठे मेवे पुत्रा दियां दातां जी दातां सब दुनिया नूं देवे पुत्रा दियां दातां जी दातां सब दुनिया नूं देवे जग अंदर मावा और बचड़े हुड़ते हुंदियां ने ठंडियां छावा बच्चे हुड़ते जुड़दियां भावा नाल भावा और बच्चियां नाल ही मान है विच भैण भरावा बच्चियां बिना हमदर्द जी सब सुनिया ही ठावा माता ज्योणी ते भाई भगत उस रब की बंदगी दे विच लीन होके पता की कहिंदे ने सज्जा पातशाह इहो जिहा पुत्र बख्शी जरा तेरे पंथ दल की सेवा करे तुलसीदास ठीक कहिंदा कहिंदा मां पुत्र पैदा करना चाहती है कर क्यों नहीं करती तेरा हक बनता पर वेखी इहो जिहा पुत्र ना पैदा कर तमी जरा तेरी कुख नूं दाग ला दे वो पता की कहिंदा कहिंदा जननी जने ते भक्त जन और क्या कहता क्या सूर नहीं तो जननी भाज रहे काहे गवावे नूर
जे ते मां होगी भगती करने वाली तो फिर भगत पुत्र ही जन्म देगी। जे मां होगी दान पुन करने वाली फिर दानी पुत्र जन्म देगी। जे मां होगी सूरमिया का इतिहास सुनने वाली तो फिर सूरमे पुत्र जन्म देगी। तो जे मां होगी सुनियो जरी टैलीविजन वेखण वाली तो फिर पता कि पुत्र जन्म देगी। बंदर वेख्या टपुशियां मारते टैलीविजन के पी पी के समाइका फिर योजे जमने गुरु वाले बड़ा प्यार इतिहास सुनया करो गुरु के सिखा दे एक तो कुरबानियां गिणन लगी है ना प्यार सिर के केस जिदा वाल गिने नहीं ना जा सकते इदा सतगुरों के शहीदों दुरबानिया नहीं गिणिया जा सकती। माता जोड़ी वेखो उस रब की बंदगी दे विच लीन होके पुत्र मंगती है सतगुर ने की कृपा उस दिन खुशियां का आया माता जोड़ी भी पवित्र कुख दे विच पुत्र ने जन्म लिया घर दे विच खुशियां की हद ना रही। बचपन तो ही बड़ा सुंदर शरीर गोरा चिट्टा रंग मोटिया अखां उच्चा लंबा काते लंबिया दावा बचपन तो ही अत का सुंदर जब गलिया के दीप ने खेडन गाना ना तो आंधना गवाढ़ा ने आके कहना नहीं जोड़ी तेरा पुत्र बड़ा सोहना ही ये मथे से टिट्टा लाया करना काला लाउंदियां ना मां और तेरा पुत्र बड़ा सोहना ही ये मथे से टिट्टा लाया कर किसी की नजर ना लग जाए आके कहती आंधना गवाढ़ा इतने भी कह दें बच्चों बच्चे सोहने बड़े उन्होंने और माता जोड़ी उस रब की बंदगी दे विच लीन रहन वाली जिहड़ा रब की बंदगी दे विच लीन रहिंदा ना वह गल्लां दी विचार नहीं करता वह परवाह नहीं करता। प्यारे उस सतगुर की कृपा के नाल दीप सिंह जी अत का सुंदर मां दी गोदियां दे विच खेड के जवान होण लगा। उस वक्त औरंगजेब की खूनी तलवार ने हिंदुआ के उत्ते जुल्म करने चालू कर दिते। तिलक जंजू टोपी धोती को बचाने वास्ते पिता गुरु तेग बहादुर साहब की शहीदी हुई है तो भाई जाता जी पिता गुरु तेग बहादुर साहब जी का शीस ला के श्री आनंदपुर साहब पहुंचे। आनंदपुर साहब पहुंच के बड़े अदब के सत्कार के नाल धन धन साहब श्री गुरु तेग बहादुर साहब जी के शीस का संस्कार किया गया। अगले दिन दीवान सजे ने भाई जेते ने आवाज मारी धन गुरु गोबिंद सिंह साहब जी गद्दी ते विराजमान हो गए तो भाई जेते ने आवाज मारी दीवान दे विच उठ के भाई जेता जी हाथ जोड़ के खड़ गए। सतगुरु धन गुरु गोबिंद सिंह साहब जी कहन लगे इंदे भाई जेतिया दिल्ली के हालात सुना हां जरी इंदा मार सच्चे पातशाह मेरे को नहीं सुनाए। सतगुरु कहिंदा तैनू हुक्म करते आ दिल्ली के हालात सुना हाथ जोड़ के गल च पला पा के पता की कहिंदा अखां मीट लिया कहिंदा सतगुर सच्चे पातशाह तेरा मती दास और जालमा ने आरे दे नाल चीर दिता और तेरा सती दास जालमा ने रूह दे विच बन के सार दिता और तेरा भाई दयाला जी जालमा ने देगा दे विच उबार दिता। इना बस नहीं सतगुरु जी धन गुरु गोबिंद सिंह साहब जी इना बस नहीं और जालमा ने पिता गुरु तेग बहादुर साहब जी के शीस के उत्ते भी खंडे दे नाल वार कर दिता। जब इनी गल कही तो अखियां दे विचो अथरू ना जान अथरू ना रोकण धन गुरु गोबिंद सिंह साहब जी कहन लगे भाई जित्या उस वक्त सिख नहीं सन हो रहा गया इंदा महाराज सच्चे पातशाह जी सिख तो बड़े सन पर पछाना नहीं सन जाते फिर होर की होया उस वक्त औरंगजेब तरफिया कहता है कोई सिख मैं देखा सिख की सिखी सतगुरु कहते फिर सिखा नहीं सी कहता महाराज सच्चे पातशाह सिख तो बड़े सन पर कोई नहीं खड़ा होया पछाने भी नहीं सन जाते। सतगुरु जी रोब च आ गए और कहते मैं नाका पाव तीरां दे अगे और मैं बिजली में चावा समसीरां दे अगे मैं टुटी गरीबां दी किस्मत नूं चोरा और बाई धार के बाई धारा नूं रोरा मैं सतलुज दे पानी च पा के पतासे मैं मोहां दे मूंह च लिआउणिआ हासे और जिहड़े कम करनों रह गए अधूरे मैं चलना और करने आ
च पैने बरतावा मैं नटकड़ी वाले टेकों च मैं टकड़ी वाले हाथों च टेका फरवाव मैं नाकों पावा तीर के अगे मैं टकड़ी वाले टेकों च नाकों मरवाव वैसी परूमा पंछी के खंभा के शक्ति जो उड के विखा दे बंबा की शक्ति और सारी दुनिया हुई तलवार प्यार चो पैदा और गुरु गोबिंद सिंह साहब जी करूगा बंदे तलवार चो पैदा हुक्म कर दिता संत श्री आनंदपुर साहब पहुंच केंद्र 80,000 का कट हो 80,000 का सतगुरु जी पूरे प्रबंधा समेत स्टेज पर चढ़े ने सर करके म्यान के खिंच के तलवार उंगल खड़ी की केंद्र सानू शीस की लोड़ केंद्र 80,000 के पांच उठे सन पंजा गुट तो फड़िया तंबू च खड़िया तंबू च खड़ के ना सतगुरों ने शीस के उत्ते वार कर दिता तलवार पंजा के शीस धर्म जुदा कर दिते ने जो शीस धर्म जुदा हो गए ना सतगुरों ने चौंकड़ा मार लिया चौंकड़ा मार के समाधि ला के बह गए बाणी पढ़ी जाते हैं जो जो बाणी पढ़ी जाते हैं शीस धर्म जुड़ते जाते हैं जो शीस धर्म जुड़ के ना सतगुरों ने पा सजा के दमाले बना के बाने पा के बाटे के जल फिर के खंडा भर के बाणी करके अमृत तैयार उन्हें पंजा छका के अपना ही रूप दे दिता एक गल कह दिती खालसो मेरा रूप है खास ते खालसे में हूं करूं निवास अपने रूप दे दिता फिर आप खड़ गए ने हाथ जोड़ के कहते दया सिंह जी जिस तरह तुम दया राम तो दया सिंह बन गए ना मैनू भी गोबिंद राय तो गोबिंद सिंह बना दो दया सिंह जी कह लगे सच्चा पातशाह तुम कि भेटा करोगे सतगुरु जी कह लगे मेरा भी शीस आ जरा दया सिंह कहता महाराज सच्चे पातशाह जी गुरु भी शीस दे सिख भी शीस दे फर्क तो कुछ ना होया कहते सतगुरों के नैण मुंदले सतगुरों ने नैण मुंदले नैण मुंदते मुंद के ते कह दिता 9 साल की उम्र के भाई दया सिंह जी असी पिता की कुर्बानी की है आने का समा सारा सरबंसिक इस पंथ की झोली के पा देंगा अमृत की दात बख्शू कहते अमृत सग के ना सतगुरां ने सिंह सज के गोबिंद राय तो गोबिंद सिंह सज के हुक्म कर दिता संगत श्री आनंदपुर साहब पहुंच आके खंडे की पौड़ छिल लैन एक खबर पाहेविंद पिंड च पहुंच गई उठन दंगत श्री अमृतसर में अमृत छकन वास्ते तैयार हुई बाबा दीप सिंह जी को पता लगा कि साडे नगर दंगत अमृत छकन वास्ते चलिया ने यह भी सुन के गल नचता टपता हसता गाँव घर चलिया गया तो जाके मां की गोदी बैठ गया मां को कहने लगा मां एक गल आखा मां कहती कह एक कह भावें 10 बार कह 10 की कहना कहता मां साडे नगर दियां संगतां ना अज अमृत छकन वास्ते श्री आनंदपुर साहब चलिया मैं भी चला जावा जो इनी गल मां के कन्नां दे विच पई तो मां दियां अखियां दे विच जल वह पिया जो गर्म गर्म जल दे छिटे दीप दे मस्तक ते पए ना उठ के खर गया कहता मां की गल होई है रोई को जानी है मां पता की कहती कहती पुत्रा एक गमी दे हंजू नहीं एक खुशी दे हंजू ने कदे मैं ते तेरा पिता उस अकाल पुरख परमात्मा दे चरणा दे विच बेनतियां करते सा कि एहो जिहा पुत्र बख्शी जरा तेरे पंथ दल की सेवा करे अज पुत्रा देने आ गया जिहड़ी गल मैं कहनी सी ना तू कह दिती है मामा अजकल दिया पता की कहें कहते पुत्रा तू अमृत ना ही छक अजे तू छोटा देखो मां की कह रही है मां कहती जड़ी गल मैं कहनी सी तू वह गल तू कह दिती है मां ने पुत्र तैयार किया हाथी तैयार किया अमृत छकन वास्ते अमृत छकन वास्ते हाथी तैयार करके जो तोरन लगी ना सुनियो पता की कहती कहती दीप सिंह मेरा पुत्रा अमृत छक के वापस नहीं आ जाना और तेरिया बहादरी दिया खबर वापस आ कहती मां कोई यह है कोई मां यह जड़ी कहती हो तेरिया बहादरी दिया खबर आ लो प्यारे दीप सिंह संगता के नाल भगता अमृत रूपी गुरबाणी
पहुंचा श्री आनंदपुर साहब। आनंदपुर साहब पहुंच गए, गुरु गोबिंद सिंह साहब जी को अमृत की दात हासिल की है। संगत दो दिन रह के वापस अपनिया मनोकामना भावना वास्ते अरदासा करा रही, वापस तुर लगिया। दीप सिंह जी एक साइड तक खलोते ने, जो साइड से खलोते धन गुरु गोबिंद सिंह साहब जी का नजर पईया दीप सिंह जी के उत्ते। दीप सिंह जी ने कोल बुलाया, कोल बुला के जो दीप सिंह जी कोल आए ने हाथ जोड़ के खड़ के कहते सतगुरु जी हुक्म, कहते तुम इतने रहना के चले जाना। सुनो जर की कहता, कहते तुम इतने रहना के चले जाना। दीप सिंह जी हाथ जोड़ ले, सिर चढ़ा लिया, कहते सतगुरु जी तुसा सानू परसों ना अमृत की दात बख्शी आ, उस अमृत की फीस तुसी शीस रखी आ, जड़ी शीस दे विचों इह सोच निकलनी आ कि इत्थे रहिए कि चले जाइए, वह असीं तुहाडे हवाले कर चुके हाँ, हुण तुसीं कृपा करो इत्थे रहिए कि चले जाइए। जदों इह गल सतगुरां ने सुनी ना दीप दी, ते घुट के जफी दे विच लै लिया, कहिंदे दीप सिंह जी तुसीं हुण इत्थे रहो। लो प्यारे, दीप सिंह जी ने आनंदपुर साहब रह के अमृत रूपी गुरबाणी में कंठ किया, शस्त्र विद्या लिया। जिस तरह दीप सिंह जी ने खंडे की पहुड़ छकी ना, सतगुरां ने खंडे